अब रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे कई बार ये देखा जाता है कि क्लाइंट्स ऐसा पूछते हैं कि हमारा टीडीएस तो प्रॉपरली डिडक्ट हो चुका है, तो अब हमारी एडिशनल इनकम क्यों आ रही है। तो देखिए, एक हेड होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अगर आपने सेविंग अकाउंट में कोई पैसा रखा है, आपकी कोई एफडी ओपन हो रखी है, उस पर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है, तो वो जो इंटरेस्ट अमाउंट है उस पर जब बैंक आपको पेमेंट कर रहा है, खास करके जब सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट पे हो रहा है, तो उस पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता, लेकिन इनकम कैलकुलेट करते हुए वो अमाउंट आपका कंसिडर होता है। ऐसे ही एफडी का जो अमाउंट है उसका अगर कुछ इंटरेस्ट आपको मिला है, सपोज दो तरह की एफडी होती है, एक होती है क्यूमुलेटिव जिसमें इंटरेस्ट एडअप होता रहता है और लास्ट में जाके आपको मेच्योरिटी के टाइम मिलता है, और एक होता है कि आपने ऑप्ट किया हुआ है कि इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली या हाफ ईयरली बेसिस पे मिलता रहे। अगर आपने ये वाला ऑप्ट किया हुआ है, सेकंड वाला ऑप्शन, तो उस केस में जो आपका एफडी का इंटरेस्ट होगा उस पर 10% टीडीएस कटेगा, लेकिन आपकी जो इनकम है उसका जो स्लैब है वो 30% में फॉल कर रहा है। टीडीएस कटा है 10% पे, स्लैब बन रहा है 30%, तो क्या होगा, 20% एडिशनल लाइबिलिटी और बनेगी आपकी। वो कैसे बनेगी? वो इसलिए बनेगी क्योंकि स्लैब 30% में होने की वजह से जब टोटल इनकम को आपका एडअप होगा तो आपकी टोटल इनकम 30% वाले स्लैब में होगी, जबकि बैंक ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया होगा 10% के हिसाब से, तो आपको 20% और एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा एफडी के उस इंटरेस्ट पे जो इंक्रीमेंटल है ना, मतलब जो आपको इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट अमाउंट आपने ऑप्ट किया हुआ है कि मुझे इंटरेस्ट पेमेंट लेनी है। तो आपको अपना टैक्स प्लानिंग जो करना है वो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी आपको मैनेज करना है। होप मैं आपको इस एग्जांपल से क्लियर कर पाया होऊंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी टैक्स प्लानिंग टाइम से कर सकते हैं।